लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा समीपस्थ ग्राम पीसे गांव के शासकीय प्राइमरी स्कूल में बच्चों में तेजी से फैल रहे चाइल्ड कैंसर के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पांचवी तक के बच्चों को कैंसर से होने वाले लक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें पीलापन, रक्त रिसना, हड्डियों में दर्द और वजन उठाने में परेशानी जैसी अन्य होने वाले लक्षण के बारे में जानकारियां यहां पर दी गई। साथ ही बच्चों से कहा गया कि इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दे ताकि समय से चिकित्सक को बताकर दवाई ले सके। इस अवसर पर कैलाश मोटर्स के संचालक कैलाश भरमेचा प्रमुख रूप से यहाँ पर शामिल रहे। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की अनूठी पहल 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा स्थापित लायंस इंटरनेशनल आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, जो किसी भी प्रकार का अनुदान सरकार से नहीं लेता। लगभग 200 देशों के लाखों सदस्यों जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यही सब मिलकर योगदान करके समाज सेवा करते हैं। लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड 74,000 करोड़ का ग्रांट देता है, जो कि बिना ब्याज नॉन रिफंडेबल होता है। उसे समाज के अंतिम सूत्र तक पहुंचाने के प्रयासरत जिले की अध्यक्षा लायन लक्ष्मी चंद्राकर लगातार सामाजिक कार्य करते हुए दुर्ग जिले के पीछे गांव में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु अनूठा प्रयास किया, जो कि सराहनीय है। 2 मार्च 2024 प्राथमिक शाला पीसे गांव में चाइल्ड कैंसर पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेष अतिथि डॉक्टर संजय दानी एवं लायन डॉक्टर राजू सरदा ने बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु सरल हिंदी भाषा में रोग के लक्षण, सावधानियां एवं रोग ग्रसित होने पर उपचार से संबंधित जानकारियां दी। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया वालों के बच्चों से साक्षात्कार करने पर ऐसा महसूस हुआ कि कार्यशाला पूर्ण रूप से सफल रही। कार्यक्रम का संचालन लायन अमर सिंह गुप्ता, सहयोगी लायन अनीता तिवारी एवं कार्यक्रम के प्रभारी नवनियुक्त लायन कैलाश बरमेचा थे। समाज में कम करना है अगर कैंसर का प्रभाव, तो जीवन में ना करे कभी तम्बाकू का चुनाव। खान पान हमारा पूरी तरह सात्विक हो और जीने का तरीका भी प्राकृतिक हो। है ना, तो और हाथ पैरों में हड्डियों में बहुत ज्यादा अगर दर्द होता है तो उसे भी बताइए। लगातार अगर दर्द होता है कहीं भी, आप लोगों के समझने के लिए इसे सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगातार होता है, उसको भी बताइए, जांच करवाने की जरूरत है। माता पिता को भी कई बार समझ में नहीं आता, हो रहा है समझते हैं, कमजोरी है ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसको जांच करवाने की जरूरत है। यदि प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत में इसको जांच करवा दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। थोड़ी जानकारी देंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि कैंसर के शब्द से ही सबको बहुत डर लगता है। आप सब लोग जानते हैं कैंसर क्या होता है? बेटा क्या होता है कैंसर? बहुत छोटे बच्चे हैं कि ज्यादा टेक्निकल बातें तो बता नहीं सकते, है ना, कि कैसे इनहेरिट होता है, जेनेटिक है कि जीन्स म्यूटेशन से होता है, और इसके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हैं। इसका सम्मान व गौरव हम में से प्रत्येक के द्वारा उत्साह एवं तत्परता के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व वहन किए जाने पर निर्भर है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा इसका गौरवपूर्ण इतिहास अपने देश के उज्जवल नाम के लिए हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने राष्ट्रध्वज के प्रति अपनी अखंड भक्ति प्रकट करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा, और हम में मैं से प्रत्येक व्यक्ति इसका तेज एवं कीर्ति बढ़ाने और जगत के राष्ट्रों में गौरव एवं भव्यता के साथ फहराने को सदैव प्रयत्नशील रहेगा। धन्यवाद। लायंस क्लब की कुछ सेवाभावी कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है कि सभी क्लबों को ये कराया जाता है, तो अभी कैंसर पखवाड़ा के रूप में लायंस क्लब से ये चाइल्ड के कैंसर की जागरूकता और जानकारी के लिए हमारे दुर्ग सिटी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के लिए है,
क्योंकि शहरों में तो सभी स्कूलों में बहुत से डॉक्टर आते और जाते रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसा है कि कभी हमारे प्रयास से डॉक्टर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग ये डॉक्टर संजय दानी जी से निवेदन करके ये कैंसर की जागरूकता के लिए, क्योंकि ये वातावरण पर्यावरण और दूषित भोजन से बच्चों को जागरूक कराने के लिए ये हमारा छोटा प्रयास है। इसमें 1% भी अगर बच्चों को कुछ फायदा हो गया तो हमारा ये इस साल का ये छोटा कार्यक्रम सफल हो गया, ऐसा हम मानेंगे। ये संस्था लायंस क्लब जो है, लायंस क्लब इंटरनेशनल, मानवता की सेवा को समर्पित एक संस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस सत्र का 2023-24 का ये 5 प्रमुख विषय जो है प्रोजेक्ट में, उसमें चाइल्ड कैंसर को प्रमुखता से लिया गया है, जिसके ऊपर मैंने ये सोचा ये सत्र मेरा है, मुझे करना है, तो मैंने ये सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस विषय पे जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इस स्कूल को चुना। छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि ये बच्चे जिस तरह हम इनकी भाषा में समझाएंगे, इनका इनके माता पिता को ये बात जब हम पर्चियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो ये ज़रूर उसका लाभ इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा, और अगर कभी ऐसा हो तो प्राथमिक अवस्था में ही इनका उपचार संभव हो पाए। हमें भी अवेयरनेस लाना जरूरी है और ये प्रयास बहुत अच्छा है। लायंस क्लब वैसे भी बहुत जनमानस के हित में कार्य करती रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहेगी, और इसलिए सभी का सहयोग इसमें करते रहना चाहिए। उसी भावनाओं के साथ मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ। जिस तरह की आपको पता है कि जो कैंसर या कर्कट रोग है ये बहुत ही गंभीर रोग है, और हम लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी साल में एक अवेयरनेस कैंप विभिन्न स्कूलों में करते हैं बच्चों के लिए भी, और साथ में ये भी प्रयास रहता है कि सरकार को और अन्य संस्थाओं को कि इस तरह का एक अवेयरनेस कैंप जगह जगह समय समय पर लगाते रहे ताकि समय पे इस रोग का अगर पता चल सके तो उसका इलाज संभव है, क्योंकि ये बीमारी 4 चरणों में होती है, प्रथम और द्वितीय चरण में तो इसका शर्तीय इलाज संभव ही है, और ज़्यादा देरी होने से थोड़ा सा इलाज में देरी होती है। तो यही प्रयास रहता है कि बच्चों को इसका समय पे बीमारी का पता लग जाए, उनको इसके बारे में अवगत कराते हैं और उनका इलाज हो सके और जीवन की सुरक्षा हो सके। मैं आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी था से 30-40 साल पहले, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। अब बहुत सारे कैंसर के बहुत सारे जो पार्ट हैं, बहुत सारे कैंसर हैं वो इलाज के लायक हो गए हैं और अब पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक बच्चों को इस चीज़ का एक्सप्लेन करना, इस उम्र के बच्चों को थोड़ी उनकी गंभीरता समझाना बहुत कठिन था, तो दो ही मुद्दे मैंने बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की कि कोई बिना दर्द का शरीर में कोई गठान हो और शरीर में कुछ जगह चकते हों जिसको आदमी छुपा सकता है, दर्द नहीं हो तो माइंड भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता, उनको आपको तुरंत बताना है अपने पेरेंट्स को। बाकी चीज़ें, बुखार आना, मुंह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, पेट में दर्द होना, आँख में कमजोरी होना, इसको आज नहीं तो कल वो बताएगा ही अपने पेरेंट्स को, तो दो चीज़ें नहीं बता सकता, इसके लिए उनको जागरूक होना जरूरी है। और ऐसे में हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहा हो जो वो छुपा ले तो पता ना चले, और अपने पेरेंट्स को बताए तो जल्दी पता चल सके और उसका इलाज हो सके।